हे एवरी वन, सो इट्स माई फर्स्ट क्यू एंड ए ब्लॉग। जैसे कि मैंने अपनी कम्युनिटी टैब पे एक पोस्ट डाली थी कि आप लोग मुझसे जो क्वेश्चन पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं, तो आप लोगों ने मुझसे क्वेश्चंस जो पूछे थे आज मैं उनका आंसर करूँगी। और मैंने कोई भी क्वेश्चंस अपने मन से नहीं डाले, सारे क्वेश्चन आपके ही हैं जो आपने दिए हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट। सो लेट्स सी फर्स्ट कमेंट, होप यू एंजॉय दिस ब्लॉग। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने ये कम्युनिटी टैब डाला है, जैसे कि आपको अगर दिख रहा हो तो इसी पे आपने क्वेश्चंस भेजे थे। तो सबसे पहला कमेंट देखते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, पूछा है डायना स्वीटी ने, तो उनका क्वेश्चन है हु इज योर चाइल्डहुड फ्रेंड एंड व्हाट इज योर फेवरेट गेम एंड सॉन्ग, प्लीज टेक माई क्वेश्चन। सो आई टेक योर क्वेश्चन, होप यू आर हैप्पी। सो चाइल्डहुड फ्रेंड, हम लोग बचपन में मतलब हम लोग बहुत सब खेलते थे, बट अभी सब अलग अलग हो गया तो मेरा किसी के साथ कांटेक्ट तो नहीं है। पर हाँ, मेरी एक नेबरहुड फ्रेंड है जिसका नाम है मिट्टी, तो चाइल्डहुड से लेके अभी तक हम दोनों खेल रहे हैं। और हाँ, मेरी मिट्टी के साथ अभी तक बहुत अच्छी दोस्ती है, तो अभी हम दोनों ही खेलते हैं। उन्होंने एक और क्वेश्चन पूछा है, एंड व्हाट्स योर फेवरेट गेम एंड सॉन्ग, प्लीज टेक माई क्वेश्चन। तो मेरा फेवरेट गेम है क्रिकेट। क्रिकेट मुझे इतना पसंद है कि मैं क्या बताऊँ, डांस के बाद क्रिकेट दूसरी चीज़ है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर मैं बोर होती हूँ तो मैं क्रिकेट ही खेलती हूँ, तो हाँ मेरा फेवरेट गेम है क्रिकेट। और मेरा फेवरेट सॉन्ग, तो जैसे कि आप जानते होंगे जस मानक, ही इज़ अ वेरी फेमस पंजाबी सिंगर, तो मुझे जस मानक के सॉन्ग्स बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर चाहे वो नो कॉम्पिटिशन हो, येस और नो हो, हंसके हो, परादा हो, ब्याह हो, तो मुझे जस मानक के सारे सॉन्ग पसंद है। ऐसा एक भी सॉन्ग नहीं है जस मानक का जो मुझे पसंद है। तो या जितने भी सॉन्ग है उसके वो सारे मेरे फेवरेट हैं, तो जस मानक के सॉन्ग मेरे फेवरेट हैं। तो ये था डायना स्वीटी का क्वेश्चन, थैंक यू फॉर आस्किंग योर क्वेश्चन। अब डू द सेकेंड क्वेश्चन, जो कि है श्रेया जैन से, उन्होंने पूछा है हु इज योर कैमरा मैन। तो ये कैमरा मैन नहीं है, कैमरा वूमेन है, जो कि है मेरी एल्डर सिस्टर प्रेरणा दीदी। तो वही मेरे वीडियोस बनाती है सारे, जो भी आपने वीडियोस देखे हैं वो सारे उन्होंने बनाए हैं। हेलो एवरीवन। चलो तो अब थर्ड क्वेश्चन है, जो कि है प्रदीप कुमार शर्मा जी से, व्हाट्स योर एज। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो मेरे हर डांस के नीचे आता ही है, देती हूँ मेरी एज है 13 ईयर्स, तो मैं 13 साल की हूँ। पूछा है वेयर डू यू लिव, सो आई एम फ्रॉम मध्य प्रदेश, और सिटी में अभी रिवील नहीं करना चाहती, बट अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं कहाँ रहती हूँ, तो जब मेरे सब्सक्राइबर 10K हो जाएंगे तो मैं आपको बताऊँगी। तो जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, फिर आपको पता चल जाएगा मैं कौन सी सिटी में रहती हूँ। तो सब्सक्राइब टू माई चैनल। क्वेश्चन पूछा है कि इन विच क्लास डू यू रीच, तो मैं पढ़ती हूँ 7th क्लास में, अभी मैं 7th में हूँ और मेरी एज है 13 ईयर्स। फिर योर फेवरेट यूट्यूबर, तो मुझे रिमोरा व्लॉग्स बहुत पसंद है, तो मुझे रिमोरा व्लॉग्स मैं बचपन से देखती हूँ, मुझे उनके व्लॉग्स बहुत अच्छे लगते हैं, उनके चैलेंजेस बहुत हटके होते हैं और देखने में मुझे बहुत मज़ा भी आता है। तो या माई फेवरेट यूट्यूबर इज़ रिमोरा व्लॉग्स। फिर है योर फेवरेट सॉन्ग, जैसे कि मैंने बताया मुझे जस मानक के सॉन्ग्स बहुत पसंद है। योर डांस वीडियो ऑफ योर्स फेवरेट, अरे भाई ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मुझे मेरे डांस वीडियो में कौन सा पसंद है। तो जैसे कि आपने मेरा एक डांस वीडियो देखा होगा सून, तेनू करे ना है मेरे नाल व्यार सोनिया ते थोड़ा सून कर ले, तो मुझे वो मेरा बहुत अच्छा लगता है वो वाला। और जो मैंने अभी अभी डाला है एक नाचूंगा ऐसे, तो मेरे ये दोनों बहुत फेवरेट है, मैं इन्हें देखती रहती हूँ। ये तो थे मेरे फेवरेट डांस जो मुझे पसंद है, आप भी कमेंट में बता सकते हैं कि आपको मेरा कौन सा सबसे अच्छा लगता है। हाँ तो बताना कमेंट। तो लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम प्रदीप कुमार शर्मा, जो कि है इन विच ईयर यू वर बॉर्न, तो मैं 2007 में बॉर्न हुई थी और मेरी बर्थडे डेट है 3 नवंबर, तो हाँ मैं 2007 में हुई थी। अब उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है जो जिसने पूछा है, उसका नाम है कृति चौधरी, तो उन्होंने पूछा है विच फूड यू लाइक द मोस्ट, तो
मुझे पिज्जा बहुत पसंद है। मैं जब भी रेस्टोरेंट में जाती हूँ ऐसा कभी नहीं होगा कि मैंने पिज्जा ऑर्डर ना किया। झूठे। अरे मेनू ये क्या था, नहीं मुझे पसंद है पिज्जा, मुझे बहुत पसंद है, मैं कोई झूठी नहीं हूँ। और पनीर नान भी मुझे बहुत पसंद है, तो मुझे ये दो पसंद है। तो थैंक यू कृति। फिर उसके बाद तो दीपिका जी ने पूछा है हाउ यू पॉपुलर इन यूट्यूब एंड गेट 300 के सब्सक्राइबर। तो पहली बात तो दीपिका ये कि मेरे 300 के सब्सक्राइबर है ही नहीं, मेरे समथिंग 4 के सब्सक्राइबर है और मुझे नहीं लगता है कि मैं अभी उतनी पॉपुलर हुई हूँ, तो इसका मैं कुछ कह नहीं सकती। पर आपने एक और सेकेंड क्वेश्चन भेजा है कि इन विच क्लास यू स्टडी, प्लीज से माई नेम इन योर वीडियो, प्लीज प्लीज प्लीज। तो पहली बात मैं 7th क्लास में हूँ जैसे कि मैंने अभी बताया। एंड हाय दीपिका, तो थैंक यू फॉर आस्किंग योर क्वेश्चंस। दीपिका के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है मानसी पाटिल ने। उनका क्वेश्चन है हु एडिट योर वीडियो, हु शूट योर वीडियो एंड लास्ट हु मेक थंबनेल एंड एट ऑल, लव फ्रॉम मानसी। थैंक यू मानसी। तो इन सभी क्वेश्चन का आंसर वन वर्ड में है जिसका नाम है मेरी दी प्रेरणा दी। तो अभी आपने जितने भी वीडियो देखे हैं मेरे वो सारी वो शूट करती है, और अगर मैं यहाँ जहाँ आपको बैठी दिख रही हूँ वो उनकी वजह से। अगर वो नहीं होती मेरी लाइफ में तो पता नहीं मेरा क्या होता। तो थंबनेल से लेके ड्रेस, इनफैक्ट जो मैं गाने जिस पे डांस करती हूँ ना वो भी वही सजेस्ट करती है। तो पेनो दीदी तो लाइक भगवान जैसी है मेरे लिए, जो भी किया है उन्होंने। वो मतलब आई एम स्पीचलेस, मैं क्या कहूँ। वो मतलब एक मैं पहले ऐसी डांस करती थी, मुझे नहीं पता था, मैं दूसरों का देख के सीखती थी। और फिर पेनो दीदी ने कहा कि तू ऐसे डांस क्यों करती, यूट्यूब पे चैनल बना। तो फिर उन्होंने मुझे एडवाइस दिया है, सब उन्होंने सजेशन किया है। तो मेरे वीडियो एडिट, मेरा वीडियो शूट, मेरा थंबनेल सब वही करती है। और फिर पेनू दीदी को तो मैं जितना थैंक यू का उतना कम है। लव यू पेनू, लव यू टू। चलो थैंक यू, थैंक यू। जो अगला क्वेश्चन है ओ माय गॉड पूछा है बसंती देवी जी ने। तो गाइस पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ बसंती देवी इनका नाम जो भी है, तो इन्होंने मेरे हर डांस वीडियो के नीचे आप जाके देख लीजिएगा कमेंट सेक्शन में इन्होंने पूछा है आर यू बॉर्न इन 2007, आर यू बॉर्न इन 2007, आर यू बॉर्न इन 2007। तो जी हाँ, आपको ये जान के बहुत खुशी हो रही होगी कि मैं 2007 में ही हुई हूँ। मैं 2007 में हुई हूँ। और फिर उन्होंने पूछा व्हाट्स योर एज, मेरी एज है 13 इयर्स। फिर व्हाट क्लास डू यू रीड इन, 7th क्लास। व्हाट्स योर फेवरेट हेयर स्टाइल, मेरी फेवरेट हेयर स्टाइल है, आपने मेरा वो डांस देखा है क्यूट सॉन्ग वाला डांस है ना मेरा, मैंने जो स्पेसी वाली पोनी बनाई है मुझे वो बहुत पसंद है। और मुझे फ्रेंच बहुत पसंद है क्योंकि वो मेरे ऊपर अच्छी लगती है। तो मुझे ये दो पसंद है, फ्रेंच और जो मैंने वो क्यूट सॉन्ग में बनाई थी वो वाली, दो पसंद है मुझे। एंड फेवरेट चॉकलेट, मुझे डेरी मिल्क सिल्क ओरियो बहुत अच्छी लगती है, मैं वो खाती रहती हूँ। तो या मुझे ओरियो बहुत अच्छी लगती है। और अगर आपको मेरे को गिफ्ट में कुछ देना है तो आप डेरी मिल्क सिल्क ओरियो दे सकते हैं। मजाक कर रही थी, ठीक है। फिर उन्होंने एक और क्वेश्चन पूछा है व्हाट्स योर फेवरेट सॉन्ग। जैसे कि मैंने बताया मुझे जस मानक के सॉन्ग्स बहुत ज्यादा पसंद है, और मुझे ना हिंदी सॉन्ग से ज्यादा हेलो। तो बसंती देवी ने एक और क्वेश्चन पूछा है व्हाट्स योर फेवरेट सॉन्ग, मुझे जस मानक के सॉन्ग बहुत ज्यादा पसंद है और मुझे हिंदी सॉन्ग से ज्यादा पंजाबी सॉन्ग पसंद है। तो यार मुझे जस मानक के सारे सॉन्ग पसंद है। फिर एक मिनट ना, बसंती देवी के बाद पूछा है विश्वा भोजानी ने। विश्वा भोजानी ने योर फेवरेट यूट्यूबर, तो मैंने जैसे कि अभी बताया था रिमोरा व्लॉग्स, दिस इज माय फेवरेट यूट्यूबर, दे आर माय फेवरेट यूट्यूबर। व्हाट्स योर एज, 13 इयर्स। व्हाट्स योर फेवरेट सॉन्ग, मैंने बताया अभी जस मानक के सारे सॉन्ग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। नो कॉम्पिटिशन, यस और नो, सारे आपने सुना होगा, बहुत अच्छे लगते हैं, आप भी जाके सुनना।
ओके प्लीज टेक माय क्वेश्चन। तो विश्वा जी, तो मैंने आपका क्वेश्चन लिया, होप यू आर हैप्पी। विश्वा जी के बाद पूछा है भूमि सिंह ने, योर फेवरेट यूट्यूबर, योर निक नेम। मेरा फेवरेट यूट्यूबर रिमोरा व्लॉग्स। योर निक नेम, मेरा निक नेम घर पे किया है, मतलब मेरी दीदी जो है मुझे किया बुलाती है, तो हाँ काव्या से किया हो गया है, तो किया मुझे बुलाते रहते हैं और मेरी मम्मी मुझे बब्बू बुलाती है। है भूमि के बाद पूछा है देवराज शर्मा ने, योर एज क्लास। ऑब्वियसली मेरी एज है 13 इयर्स और क्लास है 7। आर योर वीडियोज आर सेल्फ कोरियोग्राफ? हाँ मेरी वीडियो सेल्फ कोरियोग्राफ है, मैं किसी डांस क्लास में नहीं जाती, जो भी मैं डालती हूँ, जो भी आप स्टेप्स देखते हो वो मेरी खुद की स्टेप्स रहती हैं, तो सारे वीडियोज हैं वो मैंने कोरियोग्राफ किए हैं। उसके बाद उन्होंने पूछा है एक्साइटेड टू नो योर वीडियोज एंड लवली एक्सप्रेशन। थैंक यू सो मच देव। इस वीडियो चैनल का नाम है, उन्होंने क्वेश्चन भेजा है। उनका पहला क्वेश्चन है When do you start your YouTube channel? तो मैंने अपना पहला वीडियो बनाया था 2019 मार्च को, जो डांस वीडियो था मेरा मैं चली सॉन्ग पे, जिसको गाइज आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया था। जिस दिन मैंने वो वीडियो डाला था उसी दिन उस पर बहुत सारे व्यूज आने लगे थे, तो थैंक यू सो मच उस वीडियो को इतना प्यार देने के लिए। तो या वो मेरा फर्स्ट वीडियो था। और फिर उन्होंने सेकेंड क्वेश्चन पूछा है हाउ मैनी पीपल आर देयर टू मेक योर वीडियो। जैसे कि मैंने बताया सब कुछ मेरी पेनू दीदी करती है, तो वही बनाती है मेरा वीडियो। एंड प्लीज टेल मी दैट वॉट विल डू टू बिकम अ गुड यूट्यूब चैनल। तो इस पर मैं बोलना चाहूँगी कि पहली चीज आपको आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। जैसे ये नहीं कि आपने वीडियो डाला और उस पर व्यू नहीं आ रहे तो आप रुक गए, चलो छोड़ो, नहीं, पेशेंस रखो। अभी एक व्यू आएगा, मेरा एक व्यू से दो व्यू होता था तो मैं बहुत खुश हो जाती थी, तो रुको अभी नहीं आए व्यूज, तो कभी तो आएंगे, तो पेशेंस होना चाहिए। सेकेंड चीज इंटरेस्ट होना चाहिए। मुझे डांस में इंटरेस्ट था तो मैंने चैनल बनाया, तो इंटरेस्ट होगा ना आप में तो खुद ब खुद आपके वीडियोज डलते जाएंगे। थर्ड चीज हार्डवर्क, मेहनत दोनों करनी है, आपको, क्योंकि मेहनत करोगे तो एक दिन अपने आप रिजल्ट दिखेगा। ऐसा नहीं है अगर आप सिर्फ व्यूज और सब्सक्राइबर को सोच के चैनल बनाओगे तो कभी फायदा नहीं होगा। बस आपने जिस अपनी इंटरेस्ट के लिए वो चैनल बनाया है, आप बस उस पर ध्यान दो, वीडियो डालते जाओ, खुद ब खुद व्यू आएंगे, खुद ब खुद आपके सब्सक्राइबर्स आएंगे। तो मेहनत करो, पेशेंस रखो, इंटरेस्ट रखो, रिजल्ट खुद ब खुद दिखेगा। तो या तो ये था, एक मिनट, हाँ तो ये था इनका क्वेश्चन, ये इनका आखिरी क्वेश्चन था। एंड उन्होंने लिखा है आई एम लव योर वीडियोस, थैंक यू सो मच, आप मेरे वीडियो को इतना पसंद करते हैं, थैंक यू। उसके बाद है 100 सब्सक्राइबर विद नो वीडियो, ऐसा चैनल का नाम है, वाह। उन्होंने भेजा है क्वेश्चन, प्लीज पिक माई क्वेश्चन। हाँ मैं आपके क्वेश्चन ले रही हूँ। उनका पहला क्वेश्चन है वेयर डू यू लिव। जैसे कि मैंने बताया मैं मध्य प्रदेश में रहती हूँ, इस सिटी अभी रिवील नहीं करूँगी, 10K सब्सक्राइबर जब हो जाएंगे तब बताऊंगी। फिर उन्होंने सेकंड क्वेश्चन पूछा है हाउ यू गेट परमिशन टू स्टार्ट योर यूट्यूब चैनल। तो मुझे परमिशन नहीं लेनी पड़ी, जबकि मुझे तो मेरी फैमिली वालों ने और इनकरेज किया कि चैनल बनाओ, तो हाँ मुझे कभी परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मुझे तो खुद ऐसा आइडिया मिला है, जब मैं ऐसी नाचती थी तो मेरी दीदी ने बोला है कि काव्या तू यूट्यूब बना, तो हाँ मुझे परमिशन नहीं लेनी पड़ी। फिर थर्ड क्वेश्चन है इन विच क्लास यू आर नाउ। मैं 7th क्लास में हूँ। और फिर उन्होंने पूछा है विच ऐप यू आर यूजिंग फॉर मेकिंग थंबनेल्स एंड एडिटिंग। तो थंबनेल्स मैं बनाती हूँ गाइस पिक्सआर्ट ऐप से, आप प्ले स्टोर में जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं, तो पिक्सआर्ट से आप थंबनेल बना सकते हैं। ओके फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है नीतू जैन ने पूछा है हेलो काव्या, काव्या दी बिकॉज आई डोंट नो योर एज आई लव ऑल योर डांस वीडियोज एंड योर कोरियोग्राफी इज फैब एंड
वेरी एक्साइटेड फॉर योर क्वेश्चन आंसर वीडियो. सो हाय नीतू एंड थैंक यू सो मच, आप मेरे डांस वीडियोस को इतना पसंद करती है और आपको मेरी कोरियोग्राफी अच्छी लगती है, तो थैंक यू सो मच. और फिर आपके क्वेश्चन पे जाते हैं. आपने पहला क्वेश्चन पूछा है हु शूटेड एडिट योर वीडियो. अभी मैं बताया प्रेरणा दीदी मेरे वीडियो एडिट करती है, शूट करती है, सब वही करती है. इन विच क्लास यू आर एंड व्हाट्स योर एज. मैं हूँ 7th क्लास में, मेरी एज है 13. वेयर डू यू लिव MP. तो ये क्वेश्चन तो बहुत बार आ चुके हैं. तो मैं मध्य प्रदेश में रहती हूँ. आर यू दिगंबर जैन और श्वेतांबर जैन. ओ माय गॉड. तो मैं दिगंबर जैन हूँ. नीतू मैं दिगंबर जैन. क्वेश्चन नंबर 5 उन्होंने पूछा है व्हाट डू यू लाइक टू डू ऑन अ वीकेंड नाइट. वाह वाह. तो मुझे वीकेंड नाइट में मूवीज देखना बहुत पसंद है. मतलब रात को ऐसी मूवीज देखना, फ्रेंड के साथ चिल आउट करना, चिल करना, मुझे ये सब बहुत पसंद है. आवाज क्यों है? तो मुझे ये सब बहुत मतलब फन होना चाहिए नाइट में, जो भी हो फन होना चाहिए, एंजॉयमेंट होनी चाहिए. उन्होंने फिर क्वेश्चन नंबर 6 पूछा है योर ड्रेसिंग सेंस इज ऑसम, थैंक यू सो मच. हु चूजेज योर ड्रेस फॉर अ डांस वीडियो. क्या बोलूं मैं, प्रेरणा दीदी मेरी ड्रेसिंग सेंस चूज करती है, सब वही बताती है. I also want to give you some suggestion. You should open a separate channel for fun videos. Okay, मैं try करूँगी. अगर ऐसा होगा तो मैं fun channel, ये vlog का channel ज़रूर खोलने की कोशिश करूँगी. फिर thanks, I love your fun videos and try to learn dance. Okay, thanks again, lots of love and support from Rajasthan. Oh wow, Rajasthan. And yeah, I wish that this video be the first video of New Year. Please answer all. Your question. Happy New Year to all. And Neetu ji, thank you for mere channel ko itna pyar dene ke liye aur questions puchne ke liye. Thank you so much. Chalo, ab badhte hain next question pe. Unhone pucha hai, where do you live? So I am from Madhya Pradesh. Why you start YouTube channel? तो पहले मैंने बताया जैसे मैं डांस करती रहती थी पहले ऐसे ही. फिर मेरी पेनू दीदी ने मुझे सजेशन दिया कि तुम यूट्यूब पे चैनल बनाओ. फिर मैंने चैनल बनाया. पहला वीडियो मैंने मैचली डाला, तो वो मैंने डाला ऐसी मजाक में डाला था. फिर उस पर बहुत व्यूज़ आए, सब्सक्राइबर आए, लाइक्स आए. फिर मैंने बनाती गई वीडियो, वो मेरी एक टाइप से यू नो हॉबी बन गई. फिर मैं वीडियोज़ डालती गई और फिर जब मेरे फिर बीच में एक इंसिडेंट हुआ, जब मेरे 600 सब्सक्राइबर हो गए थे. तो मैंने उस दिन वीडियो बना के रखा था, 600 सब्सक्राइबर हुए मेरे और आई डोंट नो क्या हुआ, मेरा चैनल हैक हो गया था और मेरा चैनल हर जगह से गायब हो गया. तो मैं यूट्यूब पे सर्च करती थी मेरा चैनल तो वो नहीं आ रहा था. और फिर उसी दिन से मैं परेशान हो गई थी. मैं स्कूल जाती थी, किसी से बात नहीं करती थी, खाना नहीं खाती थी. मतलब मैं क्या बताऊँ, मैं एकदम दुखी हो गई थी. फिर मैंने YouTube को मेल वेल भेजा. फिर मेरा चैनल समथिंग कुछ 4-3 दिन बाद आया. फिर मुझे शांति मिली. फिर हाँ, तो ये मेरा चैनल बंद भी हो चुका था. 600 जब सब्सक्राइबर थे मेरे, फिर वो वापस आया तो मुझे बहुत खुशी हुई. तो मेरे साथ ये भी हुआ था, शायद बहुत कम लोगों को ये बात पता होगी. तो उन्होंने पूछा है एक और क्वेश्चन, हु इज योर इंस्पिरेशन. तो भीम जी मेरी अभी कोई ऐसी इंस्पिरेशन तो नहीं है, अभी मैं बहुत छोटी हूँ तो इंस्पिरेशन अभी है नहीं मेरी, जब आएंगी तब बताऊंगी. उसके बाद उन्होंने पूछा है हु वॉज योर फेवरेट डांसर. तो जो लोग डांस प्लस देखते होंगे या नहीं भी देखते होंगे उन्हें भी बता देती हूँ. उसमें एक डांस क्रू आता था जन्म जिनका नाम था, वो इतना प्यारा लिरिकल डांस करते हैं. मुझे इनका डांस इतना पसंद है ना कि मैं यूट्यूब में देखती रहती हूँ. सर्च मारना है यूट्यूब पे जन्म डांस, बहुत प्यारा करते हैं. तो या दे आर माई फेवरेट डांसर. इन विच फिर सॉरी हाँ, तो भीम जी के क्वेश्चन यही खत्म होते हैं. थैंक यू फॉर आस्किंग. भीम जी के बाद पूछा है परी सच देवा ने, इन विच क्लास डू यू स्टडी एंड हाउ मैनी टेक यू विल टेक टू शूट इन वन वीडियो. तो मैं 7th क्लास में पढ़ती हूँ
और टेक की बात करूँ तो वो सॉन्ग और मेरे डांस स्टेप पे डिपेंड रहता है। सॉन्ग बड़ा हो तो टेक ज़्यादा होते हैं, और अगर मेरा मूड अच्छा हो, सॉन्ग छोटा सा हो, मेरा पसंद का गाना हो, तो फिर तो वो एक टेक में ही बन जाता है। बट हाँ, ज़्यादातर तो मुझे बहुत टेक लेने पड़ते हैं। अभी तक ऐसा मेरा कोई डांस वीडियो नहीं हुआ होगा जो एक ही टेक में बन गया हो, तो टेक तो मैं बहुत लेती हूँ। टाइम लगता है, ब्लूपर्स भी देखे ही होंगे आपने मेरे, तो टाइम लगता है। तो गाइस, इसी के साथ सारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं। अगर किसी भी के क्वेश्चन छूट गए हो या मुझसे आंसर देने में गलती हो गई हो तो सॉरी। और ये वीडियो मैंने 2 जनवरी को शूट किया है, और इससे हो सकता है पब्लिश करने में, एडिटिंग एडिटिंग करने में थोड़ा टाइम लगेगा लगेगा तो उसके बाद जिसके भी क्वेश्चंस आए हैं, आई एम सॉरी मैं उनका आंसर नहीं दे सकती, बट जिनके भी मैंने आंसर दिए हैं, होप दे विल हैप्पी। तो या मुझे भी बहुत मज़ा आया ये व्लॉग शूट करने में, आपको भी मज़ा आया, और अगर ऐसे मज़ा आया तो, और यू कैन टेल मी इन कमेंट कि आप क्या मेरी और व्लॉग्स चाहते हैं मेरे वीडियोस के साथ साथ। तो आप कमेंट में बताइए कि आप कौन से टाइप का व्लॉग चाहते हैं, कौन सा फनी वीडियोस चाहते हैं, तो आई विल ट्राई टू अपलोड दैट वन। एंड टिल देन, प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल टू डल्स टू यू ऑल।